क्या कह रहा है, अगर आपकी नजर में कोई गलत मार्ग पे चला जाए तो उसको कोसना बंद करिए, भजन में बैठिए, आप भजन में बैठिए और भजन करके प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मैंने समझाया वो नहीं समझा, अब आप कृपा करना, आगे उसे ठोकर तो लगेगी गलत मार्ग की वजह से, पर आप उसे संभाल लेना, चोट ना लगने देना। आपका भजन ये कार्य करेगा, क्या पता वो आधे मार्ग से लौट कर सही सलामत आ जाए। बाबा भजन में बैठ गए, भजन कर रहे, मैया चल पड़ी, मैया सोच रही है कैसे परीक्षा लूं, क्या करूं, कैसे पता चलेगा। तब तक माँ को याद आया, अरे हाँ ये तो अपनी भार्या को ढूंढ रहे थे, अपनी अर्धांगिनी की तलाश में थे, तो क्यों ना मैं सीता जी का ही रूप बना लूं। अब जानकी मैया का रूप बनाया, किसी के जैसा बनना आसान है पर किसी के जैसा हो जाना मुश्किल है। आपके यहाँ जब दिवाली आती है ना, तो एक जैसे कपड़े 10 मॉल में आपको मिल सकते हैं ना, यहाँ पे भी सब देखो पिंक 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 आज गुलाब हुए, मिल सकते हैं, लेकिन किसी के जैसा आप हो जाइए ये मुमकिन नहीं है। होने का तात्पर्य क्या है, उसका स्वभाव, उसका आचार, उसका विचार, ये आप कभी कॉपी नहीं कर सकते, कभी नहीं। आप अगर कोशिश भी कर लें तो आपकी कॉपी की हुई चीज आधा घंटा टिक सकती है, पर उससे ज्यादा टिकने वाली नहीं है, बनी हुई चीज। बगुला ने सोचा, बगुले ने, मैं भी तो हंस की तरह ही दिखता हूं, कहां ज्यादा फर्क है, थोड़ा सा कलर चेंज है चोंच का और चरण का, तो वो भी थोड़ा रंग रंगाई करके मैं जाता हूँ हंसों की टोली में बैठ जाऊंगा, चकाचक घूमूंगा। चरण चोंच लोचन रंगों में चलो मराली चाल, चाल ढाल भी अपना लूंगा हंस वाली, लेकिन हंस के अंदर प्राकृतिक एक गुण क्या है, वो ये है कि हंस दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता है। जब ये समय आएगा तब तो बगुला महाराज की असलियत आएगी कि नहीं आएगी, नीर छीर विवरण समय बक उभरत तेही का। मैया सती सीता जी जैसी वन में, अच्छा जानकी मैया 14 वर्ष के वनवास में आई हैं साथ में, मैया ने वनवास काल में जब तक राघव जी के साथ थी उन्होंने कैसे अपना धर्म निभाया है, आप जरा उसके दर्शन करिए। सबसे आगे वनवास में कौन चलता था बोलिए, राम जी, उसके बाद जानकी मैया, उसके बाद लक्ष्मण जी। अच्छा राम जी चलते थे, चूंकि नंगे पांव गए हैं, ठाकुर जी कुछ पांव में धारण करके नहीं गए हैं, ठाकुर जी चलते थे तो उनके पद चिन्ह वो जमीन पर बनते थे। सीता माँ सोचती थी मेरे प्रभु के चरण चिन्ह बने हैं, कहीं मेरे चरणों के नीचे मेरे स्वामी का चरण चिन्ह आ गया तो मेरा धर्म मिट जाएगा, तो मैं कैसे चलूं, और पति के पद चिन्ह से अलग होकर चलना ये पातिव्रत धर्म नहीं है, चलना तो पति के चरणों के पीछे है, पर अगर चरणों के नीचे आ गए उनके चरण चिन्ह तो मैया जानकी दोनों चरणों के हम कदम रखते हैं, एक आगे एक पीछे, बीच में गैप बचता है। जितना भी वर्ष का साथ मैया ने उस समय बिताया राघव जी के साथ, दोनों पद चिन्हों के बीच में जो जगह बचती थी जानकी मैया उन बीच के स्थानों में चरण रख के चलती थी। आप देखिए कितनी सावधानी, एक दो वर्ष की नहीं थी, कई वर्षों की, इतनी सावधानी, और वो भी नहीं, इतना ही नहीं, चरण भी रखती थी तो एकदम आराम से, इतना धीरे से, भयभीत होकर। किस बात का भय, कि मेरे चरण रखने से धरती माँ की धूल उड़े और कहीं वो धूल मेरे राघव जी के चरण चिन्ह तक ना पहुंचे। इतनी सावधानी कि चरण रखने में भी सावधानी कि एक रज भी राघव जी के चरण चिन्ह पर नहीं पड़ने चाहिए, ये माँ जानकी का जीवन था। सती मैया भी जानकी जी का रूप बना के आई हैं, लेकिन
चरण की कौन कहे, चरण चिन्ह की कौन कहे, चरण धूल की कौन कहे। सती मैया आगे हैं, राम जी पाछे हैं, सती मैया आगे आगे। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा, ये असली भाभी माँ तो नहीं है, ये सती जी आज ये बन के आई हैं। हो सकता है भगवान लीला ही तो कर रहे हैं, क्या पता लीला का एक भाग ये भी हो। मौन रहे, पर जैसे ही देखा प्रभु ने, सती कपट जाने ओ सूर स्वामी, सती कपट जाने ओ सूर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जामी, समदर्शी सब अंतर जामी। जैसे ही पहचान गए सती मैया को, राघव जी ने क्या व्यवहार किया, जोरी पाने प्रभु कीन है प्रणाम, जोरी पाने प्रभु कीन है प्रणाम, पिता समेत लीन है निज नाम, पिता समेत लीन है निज नाम, कहे उबहोरी कहाँ विषमे तू, कहे उबहोरी को हाथ जोड़ लिया और क्या कहा, हे देवी, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। सती माँ को पहचान जाना था ना कि अगर ये मुझे सीता समझते तो ये मुझे प्रणाम नहीं करते, अगर ये प्रणाम कर रहे हैं मतलब पहचान गए, पर सती माँ ने नहीं समझ पाए। सती माँ अभी भी खड़ी थी, यहाँ तक तो मन ही मन सोच रही है, बाबा से कहूंगी जिनको आपने प्रणाम किया था उन्होंने तो मुझे प्रणाम किया। सती माँ खड़ी, तब तक ठाकुर जी ने कहे वो बहोरी, बहोरी का अर्थ होता है फिर से संकेत दिया। क्या संकेत दिया इस बार ठाकुर जी ने, कहा देवी बाबा कहाँ हैं, आप अकेले इस बियाबान जंगल में क्यों विचरण कर रही हैं, महादेव कहाँ हैं, अरे ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, भयावह है, महादेव नहीं दिख रहे। महादेव का नाम सुना तत्काल सती मैया उल्टे पांव लौट चली। ठाकुर जी ने ना अभी थोड़ी देर पहले लक्ष्मण भैया से कुछ चर्चाएं की थी, कुछ समय पहले, तो लक्ष्मण भैया ने एक प्रश्न किया था, प्रभु आपकी माया क्या है। जैसे ही सती माँ आई, प्रभु की उस वाक्य को सुना, लौट पड़ी लक्ष्मण भैया से, राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुमने एक प्रश्न किया था भैया कि प्रभु आपकी माया क्या है, बस इसी का नाम है माया, कि सती जी जैसी देवी भी आज इस माया के भ्रम में आ गई और परीक्षा लेने आई। ठाकुर जी ने सोचा इतनी दूर आई हैं, अगर पूरी तरह इनका भ्रम ना मिटे तो भी ठीक नहीं। प्रभु ने लीला करी, जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। जहाँ जिस दिशा में सती मैया देखती हैं ठाकुर जी दिखाई दे रहे, अरे ये तो अभी पीछे थे, आगे कहाँ से आए, दाएं भी वही हैं, बाएं भी वही हैं। इतना ही नहीं, खुद को भी सामने देखा, महादेव को भी देखा, चराचर देवी देवताओं को प्रभु की सेवा करते हुए देखा। सती मैया की तो बुद्धि भ्रमित हो गई, आंख बंद करके रास्ते में बैठ गई। थोड़ी देर बाद माँ ने नेत्र खोले, खड़ी हुई, मन में ग्लानी है, जाकर क्या जवाब दूंगी स्वामी को, मैं शंकर कर कहा न माना। कितना समझाया था मेरे स्वामी ने, मैं ही नहीं मानी, निज अज्ञान राम पर आना। अपनी अज्ञानता वश चली आई इनकी परीक्षा लेने, क्या जवाब दूंगी। एक संत कहते थे, सती माँ विचार के गई हैं, जाते ही जो घटना घटी है सब बता दूंगी। अब यहाँ बाबा बैठे हैं, मैया पहुंची, मैया पहुंची तो ये नहीं पूछा कि ये बताओ परीक्षा कैसी रही, समझ आया कि नहीं आया, ये नहीं पूछा महादेव ने कि देवी परीक्षा में क्या स्पष्ट हुआ, भगवान है कि नहीं है क्या ना,
परीक्षा का परिणाम नहीं पूछ रहे महादेव, परीक्षा की विधि पूछते हैं। लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। विधि क्यों विधि जानना चाहते हैं? मनो महादेव का कहना है, देवी आप जिनकी परीक्षा लेने गई थी, ना उनके आदि का पता है ना अंत का पता है, वो अनंत है, और जो अनंत है आप उनको किस मापक को लेकर उनका परीक्षण करने गई थी, बस वो परीक्षण की विधि मुझे बताइए मैया से। और एक बात कही, सत्य कहिएगा देवी। मैया ने जैसे सुना तो माँ के मुख से क्या निकला, बाबा ने साफ कहा है देवी सत्य कहिएगा, कैसे परीक्षा की? मैया ने कहा सरकार कछु न परीक्षा लेने गोसाई। सती मैया ने एक शब्द में क्या कहा? कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई।